हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ग्लैम विद अंशु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं अगेन आपके लिए फेस पैक लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह अपने फेस पैक बनाना है और अपने चेहरे को बहुत ही ज्यादा ब्राइट करना है। गाइस, ये जो फेस पैक है, इस पे मैंने अभी कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। रिसर्च करने के बाद जब मैंने इसे सर्च किया तो फिर मुझे पता चला कि इस चीज पे भी फेस पैक बनता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। एंड हां, आपको फेस पैक बताने से पहले मैंने इसका पैच टेस्ट कर लिया, मेरी स्किन पे सूट करता है। आप भी जब इसे लगाए ना तो आप एक बार इसका पैच टेस्ट जरूर कर लें। मैं ये जो फेस पैक बनेगा गाइज ने, मैदे से बनेगा। मैदा यूज करने से गाइज ना आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, आपकी स्किन फेयर होती है, आपके स्किन पर कोई भी रिंकल से पिंपल्स के निशान रहते हैं, स्पॉटलेस हो जाती है आपकी स्किन। और इसमें जो मैं ऐड करूंगी गाइज, वो एलोवेरा जेल होगा। एलोवेरा जेल आपको पता ही है, ये हमारे फेस पे हर एक तरह से वर्क करता है, सारी प्रॉब्लम हमारे फेस से दूर कर देता है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया और आपको भी इसके बारे में पता होगा गाइज। एंड अगर आप चाहे तो ना आप नेचुरल प्लांट का भी यूज करके उसका एलोवेरा जेल निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। बट मैं इसमें आपको एडवाइस करूंगी कि आप इसमें मार्केट वाला ही यूज करें, क्योंकि उसका इफेक्ट गाइज उसमें थोड़े से ना केमिकल्स या कुछ अदर्स चीजें वो जो रहती है ना, तो वो उसका रहेगा, तो ये आपका ये फेस पैक कुछ ज्यादा ही इफेक्ट करेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरह इसे बनाना और किस तरह अपने फेस पर अप्लाई करना है। बनाने के लिए गाइज आपने ना 2 स्पून लगभग आपने मैदा ले लेना है, ये इस तरह। और इसमें आपने ऐड करना है ना एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की गाइज जो क्वांटिटी होगी, मैं 1 स्पून ऐड करूंगी। आप अपने पेस्ट के अकॉर्डिंग, जब आप पेस्ट बनाएंगे तो आप उससे देख लेना कितना आता है, अपने फेस के अकॉर्डिंग आपने इसमें ऐड कर लेना इसे। इस तरह आपने इसको इसमें मिक्स कर लेना है, जिससे अच्छी तरह बिल्कुल इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाए। इसमें गाइस इस तरह आपका जो है पेस्ट बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल क्रीम फ्लेवर में होगा और बहुत ही थिक सा आपने बना लेना है। तो अभी हमारा ये जो पेस्ट है ये रेडी हो गया। उससे पहले मैंने अपने फेस पर स्क्रब करना है, और जो ये स्क्रब गाइस हम करेंगे ना वो लेमन से करेंगे। हमने हाफ लेमन लिया है, इसमें कुछ हमने ऐड नहीं करना, सिंपली आपने इसे लेना अपने फेस पर रब करना है। और पर आप इसे अगर आपको सूट करता होगा तो फिर आप इसे करना, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो फिर गाइज मैं इसे अपने फेस पर ऐसे रब कर लूंगी, और इसे हमें अपने फेस पर 5 से 7 मिनट तक ऐसे रब करना है, जिससे हमारी स्किन पे जो भी डस्ट वगैरह होगी इस तरह की वो सारी क्लीन हो जाएगी। इसी तरह गाइज आपने करना है इसे अपने फोरहेड पे, आईज को आईज से थोड़ा दूर रखना है आपने। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम इसमें करते हैं और जो नींबू का रस होता है ना हमारी आईज में चला जाता है, तो इससे क्या होता है गाइज हमें ना जलन सी होने लगती है। तो आपने इसे आईज से ना थोड़ा दूर रख के आपने करना है, आईज के अराउंड आपने छोड़ देना थोड़ा सा, अपने चीक बोन्स एरिया वहां तक आपने ऐसे कवर कर लेना है, अदरवाइज आइस को आपने इसे छोड़ देना। आइस पे आपने नहीं, कभी भी आपने अगर नींबू से अपने फेस पर रब कर रहे हैं तो आपने आइस के अराउंड नहीं करना है आपने। तो इस तरह गाइस हम इसे 5 मिनट तक रब कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसे वॉश कर लूंगी। आपने जब भी अपने लिप्स पे करना है ना, अपर लिप्स पे, तो जो आपकी नीचे वाली लिप्स होगी आपने उसे इस तरह करके ऐसे करना, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे से दाने होते हैं ना वो आपके जो है खत्म हो जाएंगे गाइस। और ये एरिया आपका अच्छी तरह क्लीन हो जाएगा। तो चलिए अभी हमारा 5 मिनट कंप्लीट हो गया, और अब मैं इसे वॉश कर लूंगी। तो भी देख सकते हैं गाइज मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, और नींबू रब करने के बाद ना आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो आ जाता है, आपका फेस ना बहुत ही ज्यादा क्लीन लगता है। तो उसके बाद गाइज मैं अप्लाई करूंगी अपना फेस पैक। ये आप देख सकते हैं, इसे मैं हल्का सा लूंगी और अपने पूरे फेस पर ऐसे इसे अपने ना ऐसे फैलाते हुए अपने फेस पर लगा लेना है। देख सकते गाइज, और आईज के अराउंड मैंने इसे छोड़ दिया है। जिस तरह मैं हर बार आपको बताती हूँ कि आप जो भी ये फेस पैक है इसे आईज के अराउंड लगा सकती हैं, इयररिंग लगा सकती हूँ, वो मैं अपने वीडियोस में आपको बता देती हूँ कौन सा फेस पैक आपने लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। आपने इसे अपने आईज के अराउंड नहीं लगाना है गाइस, आप इसे केवल अपने फेस पर अप्लाई करें। अगर आप चाहें तो आप आईज के अराउंड, अगर आपको आईज पे कुछ लगाना चाहती हैं तो आप आलू को कट करके स्लाइस में आप अपने आईज के ऊपर उसे रख सकती हैं, जब तक आपका फेस पैक जो है सूखता है
तब तक आप उसे अपने फेस पर रख सकती हैं गाइज। तो इस तरह हम अच्छी तरह पूरे फेस पर अपने लगा लेंगे, और इसे गाइज ना हमें अपने फेस पर ऐसे फैलाते हुए लगाना है। ये क्या कहते हैं, एक जगह ऐसे हम सोचेंगे कि ये वो हो जाएगा तो बहुत ही स्मूथली नहीं लगेगा। इसे हमें थोड़ा ना प्रेस करके अपने फेस पर ऐसे एक लेयर की तरह ऐसे लगाना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा जो है लग गया है अच्छी तरह, और अब मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। देख सकते हैं गाइज हमारा फेस पैक जो है बिल्कुल ये सूख गया है, और अब मैं इसे रब नहीं करूंगी अपने फेस पे, वैसे ही हमें पानी लेके अपने फेस को वॉश कर लेना है। आप देख सकते हैं गाइज मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। इस तरह आपने इसे वॉश कर लेना, और आप इसे वीकली 2 से 3 बारी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह गाइज आप इस फेस पैक को बनाकर अपने फेस पर लगा सकते हो, और अपने फेस को बहुत ही ज्यादा ब्राइट और स्पॉटलेस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड हाँ, जाते जाते मुझे अपने कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी बताई हुई रेमेडी आपके फेस पर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।